हे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे BRI और ALZ के बीच में जो अगला T10 का मैच होगा। दोस्तों 5-5 ओवर का आज का मैच हो रहा है, आपको पता ही होगा। और ये यहाँ का अगर पिच कंडीशन अगर आप देखोगे दोस्तों, लगातार बारिश होने के कारण 5-5 ओवर का मैच हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखना ये वीडियो। यहाँ पे दोस्तों मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर। दोनों ही टीमों के अभी तक जो 8-8 मैचेस हो चुका है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेयर किस ऑर्डर पर बल्लेबाजी करेंगे, कौन से बॉलर 2 ओवर तक गेंदबाजी करेंगे, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट ऑप्शन देने वाला हूं। सारे डिटेल्स आपको मिलेगा बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट के लिए। एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना दोस्तों, वीडियो को लाइक से स्टार्ट करना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का आपको इसी प्रकार वीडियो और इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। इस मैच का फाइनल टीम के लिए एक बार हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पर 30,000 से भी अधिक मेंबर ने ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल फ्री ग्रुप है और आपके हेल्प करने के लिए बनाया गया है दोस्तों, ताकि लाइनअप के बाद क्या है कि फाइनल टीम मैं आपको शेयर कर सकूंगा दोस्तों। लाइनअप के बाद फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में। बिल्कुल फ्री ग्रुप है तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए मैच के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा इस सीरीज का सारे मैचेस गोटमा वॉल स्पेन में ही मुकाबला होगा। यहाँ का पिच कंडीशन अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि 5-5 ओवर का ये गेम होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे जिस प्रकार मैचेस हो रहे हैं, 5 ओवर में अगर यहाँ पे 70 से 80 रन बनाया जाए तो फिर यहाँ पे एक अच्छा स्कोर देखा जाएगा। और अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई फर्स्ट इनिंग में अगर 50-60 रन स्कोर करता है तो उनको चेजिंग करते हुए देखा गया आज के जिस प्रकार मैचेस हो रहे हैं। BRI के 8 मैच हो चुका है, 6 मैच जीता है दोस्तों, 2 मैच लॉस किया है। ALZ के टीम अभी तक देखोगे 9 मैच खेल चुके हैं, 6 मैच भी जीता है, यहाँ पर 3 मैच लॉस करते हुए आए हैं। मतलब एक बराबर स्थिति में दोनों ही टीम। यहाँ पर एंड्रे बेटन जो कि टीम को ओपन करते हुए टीम को फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए देखेंगे, कैप्टन दोस्तों, पूरे सीरीज में 2 ओवर तक गेंदबाजी करा है, 100 रन बना के 6 विकेट निकाल चुके हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा जरूर पिक करना। डेविड वार की बात करते हैं तो पूरे सीरीज में 37 रन बना के 12 विकेट निकाले हैं। पूरे सीरीज में मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों, 2 ओवर तक गेंदबाजी करेंगे, इनको भी जरूर पिक करना। हुसैन जो कि पूरे सीरीज में 84 रन बना के 12 विकेट निकाल चुके हैं, सेकंड राउंड में बल्लेबाजी के साथ साथ 2 ओवर तक गेंदबाजी करेंगे, इनको भी जरूर पिक करना, जो बल्लेबाजी साथ ही साथ गेंदबाजी ये भी करते हुए दिखेंगे। बाकी बात करते हैं ग्रेमी के बारे में, पूरे सीरीज में 207 रन बना के 2 विकेट निकाले, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा जो अच्छा ओपन कर रहे हैं दोस्तों। प्लस यहाँ पे 1 से 2 ओवर तक गेंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे। देखो यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन विकेट उतना नहीं मिलता है इनको, लेकिन आपको टीम के टॉप पे बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे, इनको भी जरूर पिक करना। एडम को ड्रॉप करेंगे दोस्तों, हालांकि ये ओपन कर रहा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो सेफ रहेगा। रियान बरार जो कि पूरे सीरीज में देखोगे 7 रन बना के 8 विकेट निकाला, मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज या कंप्लीट ओवर गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, इनको ड्रॉप करना, इन दोनों का रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है। रियान पूरे सीरीज में 86 रन बना के 8 विकेट निकाले, इनको ले सकते हैं अपनी टीम में, बाकी दोनों को ड्रॉप करो, दोनों का रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है। तो ये है BRI का रिकॉर्ड जो आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम बैटिंग ऑर्डर आपको इस मैच के अंदर भी देखने को मिलेगा भाइयों। बाकी बात करते हैं ALZ के बारे में, तो ALZ के टीम दोस्तों यहाँ पे रायल खान खेलते हुए नजर आएंगे जो कि पूरे सीरीज में 67 रन स्कोर करा है, बाकी ये भी ओपन करते हैं शायद अली, लेकिन रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है। अजम खलील जो कि पूरे सीरीज में 171 रन बना के 5 विकेट निकाले हैं, टीम के फर्स्ट राउंड पे बल्लेबाजी के साथ साथ 2 ओवर ये भी गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, इनको अपने टीम में ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा पिक रहेगा। बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी ले सकते हैं। अलजॉय जो कि पूरे सीरीज में 99 रन बना के 7 विकेट निकाले, 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे, मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाजी भी करते हैं, बाकी इनको ड्रॉप करो। मीर अफजाल जो कि पूरे सीरीज में 18 रन बना के 6 विकेट निकाले, बाकी इन दोनों को ड्रॉप करो, इन दोनों रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है। ताश क्वेरसी की बात करते हैं दोस्तों, 2 ओवर बॉलर है, टीम के मेन गेंदबाज, इनको जरूर पिक करना, 11 विकेट निकाले हैं, बाकी इनको ड्रॉप करेंगे। लेमर महमूद की बात करते हैं, 6 विकेट उन्होंने निकाला, बाकी इनको भी ड्रॉप करेंगे दोस्तों। उस्मान जबर जो कि पूरे सीरीज में 7 विकेट निकाले हैं, इनको ड्रॉप करेंगे। फरशे चौधरी की बात करते हैं दोस्तों, तो पूरे सीरीज में 6 विकेट निकाले, बाकी इन दोनों का रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं, तो इन दोनों को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये दोनों ही टीमों का रिकॉर्ड है जो आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम बैटिंग ऑर्डर आपको इस मैच के अंदर भी देखने को मिलेगा भाइयों। इसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है अपने टीम में आप ले सकते हैं, अपने टीम को बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिला सकते हो। बाकी यहाँ पे मैंने आपके लिए एक टीम बनाकर रखा है बिफोर लाइनअप, जिसमें से देखेंगे तो एजिया को मैं ट्राई करूंगा जो टीम के टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं। बाकी बैटिंग में अगर आप देखोगे तो जेड अलजॉय, एसअली और यहाँ पे दोस्तों AMC डेड को ट्राई करूंगा जो टीम के टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हैं। ऑलराउंडर में अगर आप देखेंगे तो आई हसन को मैं कैप्टनसी के लिए ट्राई करूंगा, वाइस कैप्टनसी के लिए खलील बेस्ट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑलराउंडर को मैं अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ, 4ों का रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, हाई इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो टीम के टॉप ऑर्डर पर खेलेंगे, इस वजह से मैं ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों। बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हुए दिखेंगे। बॉलिंग में ट्यूसन, एलेमंड और यहाँ पे डी बार जो कि टीम के मेन गेंदबाज है, 2 ओवर तक गेंदबाजी करते हैं, इस वजह से मैं ट्राई करूंगा। तो ये जो टीम है अभी आप लोग सेव कर लो, लाइनअप का वेट करना भाइयों। इस मैच का फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसने ज्वाइन नहीं करा है जल्दी से कर लो। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में। बिल्कुल फ्री ग्रुप है और आपके हेल्प करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को बनाया गया है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।